हियर्ड इम्यूनिटी, ये कौन सी इम्यूनिटी होती है, ये किस तरह से वर्क करती है, ये हमारे जो डिजीज होते हैं उसमें क्या रोल प्ले करती है, तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो हियर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले हमें जानना होगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इन सब की जो भी वीडियो है ये एक सीरीज में चलती आ रही है। अगर तो आप मुझे फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आपको ये पता होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको इस वीडियोज की सारी जो भी लिंक वगैरह है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगी, वहां से आप इसको जरूर देखें। और जो हियर्ड इम्यूनिटी है उसको समझने से पहले हमें एक जो डिजीज होती है, डिजीज कहते हैं जो टाइप्स होते हैं डिजीज की, कॉन्टेगियस डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज, वो आपको जाननी बहुत जरूरी है, उसकी भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो उससे पहले हम एक यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ रिविजन लेंगे, उसके बाद अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारी की इम्यूनिटी क्या होती है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है इम्यूनिटी, में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा क्या है डिफेंस ये एक हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, बाहर से जो भी पैथोजेंस वगैरह आते हैं, पैथोजेंस वायरस बैक्टीरिया, उन सबसे क्या करता है ये हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी उन सबसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को सेफ एंड हेल्दी रखता है। ये इम्यूनिटी आ गई। इम्यूनिटी के बाद हमारे हमने दो टाइप की पढ़े थे, इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या देखा था कि हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, ये होती है हमारे बॉडी में नेचुरली, और ये जो होती है हमारे स्पेसिफिक किसी भी बैक्टीरिया वायरस और पैथोजन होगी उसके अगेंस्ट में ये हमारे बॉडी में बनती है, एक प्रोटीन बनाती है। मतलब क्या होती है, ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती है, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी, मतलब उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। तो ये था हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। तो ये इस सब की जो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अब बात आते हैं कि हियर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये सबको मैकेनिज्म पता चल गया। तो हियर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिविजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगती आई है तो आप हमें इस तरह सपोर्ट करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हियर्ड इम्यूनिटी को अगर हम नॉर्मली बोलें तो ये इम्यूनिटी तब लगाई जाती है, तब लागू की जाती है जब हमारे क्या होते हैं, सारे ही के सारे इम्यूनिटी जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन इम्यूनिटी लाइक इनेट एंड अडेप्टिव आर फेल्ड। फेल्ड कहाँ पे होते हैं, उस डिजीज के, फेल्ड अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट दैट वायरस बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया ही कह सकते हैं, हम कोई डिजीज नहीं कह सकते, कह रहे हैं यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया पैथोजन। जब हमारी फेल हो जाती है तब हम क्या करते हैं, देन वी अप्लाई हियर्ड इम्यूनिटी। मतलब हियर्ड इम्यूनिटी सबसे बाद में आती है, सबसे पहले हमारे जो इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है उसे अपनाते हैं, उसके बाद हियर्ड इम्यूनिटी को हम अपनाते हैं। तो हियर्ड इम्यूनिटी को मेनली क्या बोला जा सकता है, एक नेचुरल तरीका है किसी भी डिजीज या किसी भी बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने का। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। हियर्ड इम्यूनिटी एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी डिजीज वायरस बैक्टीरिया उन सबसे फाइट करने के लिए। अब ये नेचुरल प्रोसेस किस तरह है, इसको हम एक केस स्टडी की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हियर्ड इम्यूनिटी है, कंटेगियस डिजीज और इन्फेक्टेड डिजीज, इसके मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है। तो इन्फेक्टेड डिजीज क्या होता है, वो एक इन्फेक्शन के द्वारा, इन्फेक्टेड एजेंट के द्वारा बनी होती है, और कंटेगियस डिजीज जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं स्मॉल पॉक्स वगैरह, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से हमें क्या स्प्रेड हो सकता है, मतलब कम्युनिटी स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसको हम हियर्ड इम्यूनिटी को हम और भी चीज बोल सकते हैं, कम्युनिटी इम्यूनिटी।
कम्युनिटी इम्यूनिटी या हेयर इम्यूनिटी। अब जो होती है कम्युनिटी के लिए इम्यूनिटी कब चाहिए होगी, जब डिजीज क्या होगी कम्युनिटी लेवल पे फैल रही होगी। जैसे कि अभी जो हमारा करंट सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस वाला, उसमें भी क्या होता है वो कंटेगियस डिजीज है, मतलब वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने पर वो क्या हो रही है स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो इसको जो रोकने के लिए हमारी इम्यूनिटी हो रही है तो कई बार उतनी पॉसिबल नहीं होती, कोरोना के लिए नहीं किसी भी स्पेशल डिजीज के लिए, जहाँ पे हमें हीट इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिजीज क्या होती है स्प्रेड होने वाली डिजीज है, यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे, ये जो हमारे पास डिजीज नंबर वन है कोई, ये क्या होता है स्प्रेड हो जाता है, ये क्या है मतलब कॉन्टैगियस डिजीज है, कॉन्टैगियस डिजीज है। तो अब इसके लिए क्या करेगा, एक तो क्या होगा तीन जोन हम बनाएंगे, तीन जोन होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, मतलब हमने तीन हिस्से ले लिए अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं केस स्टडी, हमें तीन जोन ले लिए। अब यहाँ पे कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, एक तो होंगे सबसे पहले जो लोग होंगे, सबसे पहले जो लोग होंगे वो हेल्दी लोग होंगे। हेल्दी लोग होंगे मतलब क्या होगा, इनको अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दूसरे लोग होंगे जो इम्यून लोग होंगे, इम्यून लोग होते हैं, इम्यून का मतलब कि उनको वो वायरस हो चुका है, उनको वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर चुका है और वो उससे रिकवर हो गए हैं। तीसरे तरह के लोग होंगे जिनको हो रखा है, वो क्या होंगे इन्फेक्टेड लोग होंगे। तो यहाँ पे मैं हेल्दी लोग को बनाऊंगी स्क्वायर से, इम्यून वाले लोग को मैं सर्कल से बनाऊंगी और जो हमारे इन्फेक्टेड लोग हैं उनको मैं डार्क कर दूंगी, मतलब इस तरह से कर दूंगी। तो इस तरह से मैं आपको इस सर्कल में समझाने वाली हूँ। तो अब आएगा हमारा पहला केस, जैसा कि हमारा ये कंट्री है, मतलब हमने कंट्री ले लिया अलग अलग, कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री सी है। तो अब कंट्री ए में क्या होगा, यहाँ पे हेल्दी लोग होंगे 4 और यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्टेड लोग होंगे 5, या हम 5 भी कह सकते हैं या कम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो हम रेशियो निकालते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे हेल्दी लोग हैं उनकी रेशियो इन्फेक्टेड वाले से कम है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन का चांस होगा या जो बीमारी फैलने का चांस होगा, वो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो डायरेक्टली सीधा अपवर्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा जो चांस होते हैं डिजीज फैलने का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये पहला केस था। अब कंट्री बी में क्या होगा, कुछ लोग जो है यहाँ पे इन्फेक्शन होके ठीक हो चुके हैं, मान लो तीन लोग ठीक हो चुके हैं, यहाँ पे 4 लोग जो है यहाँ पे हेल्दी लोग हैं एंड 2 लोग जो क्या है वो इन्फेक्टेड है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हमारा रेशियो है यहाँ पे जो ठीक हो चुके हैं जो इम्यून है उन लोगों की भी संख्या है जो इन्फेक्टेड है उससे ज्यादा उससे होने का क्या फायदा होगा कि वो जो इम्यून वाले लोग हैं उन्हें तो होगा नहीं, अगर होगा तो वो क्या होंगे रिकवर कर जाएंगे और हेल्दी लोग होंगे कुछ होंगे जिनको वो बीमारियां होगी। तो ये सिचुएशन नंबर बी था। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा मतलब वो इस तरह से नहीं जाएगा, वो बहुत ही स्लो रेट से मे बी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। फर्स्ट केस में क्या होता है, जहाँ पे हेल्दी लोग हैं और एक तो भी अगर इन्फेक्टेड लोग आ गए तो जो इन्फेक्शन का खतरा होता है हेल्दी लोगों में बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और इस केस में मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ेंगे। और थर्ड केस में होगा क्या, हमारे पास जो इम्यून लोग थे उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी धीरे धीरे करके, उसके बाद जो हेल्दी लोग होंगे मतलब जिनको कभी एक बार भी वायरस नहीं हुआ है वो कम सारे लोग होंगे और इन्फेक्टेड वाले भी आप कह लो 3-4 लोग यहाँ पे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, ज्यादातर इम्यून लोग हैं और बहुत कम हेल्दी लोग हैं, तो यहाँ पे जो चांसेस होंगे इन्फेक्शन का वो बहुत ही कम होगा, मतलब होगा बहुत कम होगा। तो ये कहलाती है हर्ड इम्यूनिटी, मतलब अपने आप से नेचुरली जो होगी लोगों के में या इस जगह पे इम्यूनिटी पैदा होगी। इस केस में क्या होता है, 2 चीज का रिस्क बहुत होता है, कईयों की इसमें डेथ भी हो जाती है और बहुत लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो यही एक तरीका होता है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी को ये कोई नहीं है कि हमारी बॉडी बनाएगी, वैक्सीन बनाएंगे डालेंगे। तो एक दो तरीका होता है कि हम वैक्सीन बना के डाल सकते हैं, पर वैक्सीन में क्या होता है टाइम लगता है।
और ये क्या होगा, नेचुरली होगा, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसको उस वायरस से एक्सपोज कराया जाता है ताकि उस उन ह्यूमंस में वो इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। जिनको जिनकी जो इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं होगी, अडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी, वो उनकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। और जिनकी थोड़ी अच्छी होगी वो एक्सपोज तो करेंगे, वो प्लेस एक्सपोज करेगा और वो क्या चीज़ में कन्वर्ट होता जाएगा, इम्यून पर्सन के लोगों में कन्वर्ट होता जाएगा और वो हेल्दी बन जाएगा। तो एक बार हम फिर से इस चीज़ को हम देखेंगे ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने प्लेस में, यहाँ पे ये हमारा लोकल एरिया है और यहाँ पे कहीं पे ये वायरस था, ये वायरस था, तो अब यहाँ के लोगों को क्या कर गया, इन्फेक्ट कर दिया इसने, पूरे ने इन्फेक्ट कर दिया। अब इन्फेक्टेड लोगों ने क्या किया, यहाँ पे माइग्रेट किया, इन्फेक्टेड लोगों ने यहाँ पे माइग्रेट कर लिया, मतलब दो इन्फेक्टेड लोगों ने माइग्रेट कर लिया और यहाँ पे क्या थे, सारे हेल्दी लोग थे। अब यहाँ पे क्या होगा, हेल्दी लोगों को ये इनके कांटेक्ट में आएंगे, फिर ये इसके कांटेक्ट में आएगा, ये इसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में, करके क्या होगा, यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो जाएगी और यहाँ पे जो इन्फेक्शन का खतरा है मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ा कि यहाँ पे कोई नहीं था और ये इन्फेक्शन बढ़ गया। तो इवन इन्फेक्शन बढ़ गया तो इसमें से मान लो 3-6 लोग हैं यहाँ पे, मतलब 6 पीपल के थी ये जगह, तो अब 6 पीपल में से क्या होगा, सपोज करो 2 की क्या होगी, डेथ होगी। अब 4 लोग सर्वाइव कर गए, तो 4 लोग सर्वाइव कर गए मतलब ये क्या हो गया, ये इम्यून हो गए। अब इनके पास इम्यूनिटी आ गया, अगर वो वायरस वगैरह आएगा तो खतरा कम हो जाएगा, मतलब ये इम्यून हो गए। यहाँ से ये 2 लोग जो हो गए, 2 लोग, अब यहाँ पे 4 लोग क्या हो गए, इम्यून हो गए, 1-2-4 लोग ठीक हो गए, बाकी जो है डेथ होगी, इनकी डेथ होगी। तो अब इन 4 लोगों में से ये 2 पीपल यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट करके आ गए इम्यून वाले लोग, अब यहाँ पे भी हेल्दी वाले लोग हैं। अब इस वाले जगह से भी तो कुछ लोग आएंगे, अब इस वाले जगह से भी इन्फेक्शन लेके भी कुछ लोग आ गए, 2 लोग इन्फेक्शन लेके भी आ गए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा कम होगा, जैसे यहाँ पे अगर 80% चांस था उतनी से वहाँ पे 100% चांस था कि सब लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 4 लोग हैं, मतलब आधा जो संख्या है वो पहले से इम्यून है, उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़े से चांसेस जो क्या होते हैं इन्फेक्शन के, लो हो जाते हैं, मतलब परसेंटेज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद इसी तरह से फर्दर स्टार्ट, फर्दर क्या होगा, यहाँ पे इसमें से भी कुछ लोग, जो लोग इम्यून होंगे उनको तो वायरस होगा नहीं, अगर होगा तो वो ठीक हो जाएंगे, जो नए लोग हैं उसमें से मे बी 50% की डेथ हो जाएगी, 50% सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो सर्कल साइकिल है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव करेगा और जितने से जितने लोग इन्फेक्ट होंगे उस वायरस से, इसी को कहते हैं इन्फेक्ट होके ठीक हो जाएंगे कुछ, कुछ तो डेथ हो जाएंगे, जो ठीक हो गए इम्यून हो गए उन्हें, उसी को कहते हैं हम हियर्ड इम्यूनिटी, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनको एक्सपोज किया जाता है उस चीज़ के साथ, एक्सपोज जब होते हैं तो कईयों की इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है और कईयों की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसी तरह से सब जगह हम इम्यूनिटी कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो ना तो हम उतनी जल्दी बना पाते हैं और ना ही हम सब तक पहुँचा पाते हैं। तो यही था हमारा हियर्ड इम्यूनिटी, हियर्ड इम्यूनिटी में हमारे 2 तरीके का मेथड काम कर रहे थे, मतलब एक वैक्सीन, या तो हम क्या कर सकते हैं सीधा सीधा अपने उस वायरस से सबको इन्फेक्ट कराएंगे, जिन्होंने सर्वाइव करना होगा वो सर्वाइव कर लेंगे, जिनको जिनकी डेथ होनी होगी डेथ होगी, इतना हमें रिस्क लेके चलना पड़ता है। तो अभी हम देख सकते हैं जो हमारा कोरोना वायरस का केस चल रहा है उसमें भी, हम कोरोना वायरस केस में भी अब क्या हो रहा है, सारा लॉकडाउन वगैरह खुल गया था, तो अगर जितने पीपल एक्सपोज होंगे उसमें से मैक्सिमम क्या होंगे, इम्यून हो जाएंगे। तो आप समझते हैं, मैं होप करती हूँ कि आपको यहाँ से इस चीज़ का भी आंसर मिल गया हो कि सोचते हो भाई लॉकडाउन क्यों खोल दिया, इतने केसेस बढ़ रहे हैं लॉकडाउन क्यों खोल दिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हियर्ड इम्यूनिटी वाले जो कंसेप्ट है उसको लागू की जा रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, कि जिनके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी कि हे भगवान लॉकडाउन क्यों खुल गया, लॉकडाउन क्यों खोल दिया, ये वगैरह वगैरह, तो उससे उन्हें क्या होगी, इस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी कि ये भी एक तरीका है इम्यूनिटी का जिसको हम बिल्ड करके अपने आप को एक प्रोटेक्शन मेथड ले सकते हैं। जब मैंने फिर से रिपीट करती हूँ,
जब हमारे पास कोई भी तरीका नहीं बचता है ना अडेप्टिव का ना इनेट का, तो हमें हियर्ड इम्यूनिटी की मदद लेनी पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।